महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया प्रचार अभियान। मुंबई के अंधेरे में हुई रैली में योगेंद्र यादव समेत राज्य से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार थे मौजूद। योगेंद्र यादव ने नरेंद्र मोदी और रिलायंस पर जमकर साधा निशाना। मेधा पाटकर ने कहा आज के भ्रष्ट और घमंडी नेताओं को सत्ता से निकाल फेंकने का समय। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक नांदेड़ से मिल सकता है टिकट। आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण को छोड़ना पड़ा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद। महाराष्ट्र के नेताओं की पैरवी के बाद हाईकमान लोकसभा टिकट पर माना। मुंबई के नए कमिश्नर राकेश मारिया से मिलने पहुंचे राज ठाकरे। करीब 30 मिनट चली मुलाकात। मुंबई पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राज ठाकरे की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात थी शिष्टाचार भेंट। हाल ही में एमएनएस ने पूरे राज्य में टोल वसूली के विरोध में किया था प्रदर्शन। संजय दत्त को लगातार तीसरी बार मिली पेरोल पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की सफाई। संजय को नियम के मुताबिक ही मिली है छुट्टी, इसमें कोई राजनीति नहीं। पत्नी मान्यता की बीमारी की वजह से संजय दत्त की पेरोल 30 दिनों के लिए बढ़ी। 21 मार्च तक अपने परिवार के साथ रह सकेंगे संजय। लोकसभा में तेलंगाना बिल के पास होने के बाद महाराष्ट्र को बांटकर विदर्भ राज्य बनाने की मांग ने पकड़ा जोर। आरपीआई के रामदास आठवले की मांग। बीजेपी हमेशा से छोटे राज्यों के पक्ष में। आरपीआई और विदर्भ के कांग्रेस नेता भी चाहते हैं अलग विदर्भ राज्य। उद्धव ठाकरे के इस मामले में अलग राय, विदर्भ की मांग का किया विरोध। नाला सोपारा में पत्नी की बेवफाई से निराश पति ने दो बेटियों को मारकर खुद की आत्महत्या। मरने से पहले घर की दीवार पर लिखा अगर वो साथ देती तो ऐसा हरगिज न करता। पुलिस के मुताबिक मृतक एक होटल में सुपरवाइजर था। उसकी पत्नी का पड़ोसी से अफेयर चल रहा था। 13 फरवरी को पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। 3 दिन बाद उसने घर लौटकर अपने पति से कहा कि वो उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती और वो उसे छोड़कर चली गई। राकेश मारिया को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाए जाने से नाराज सीनियर आईपीएस ऑफिसर अहमद जावेद पिछले 4 दिनों से छुट्टी पर हैं। उन्होंने अपना डीजी होमगार्ड का चार्ज भी नहीं लिया है। गृहमंत्री आरआर पाटिल से कह चुके हैं कि नई पोस्ट का चार्ज लेने के लिए वो अधिकारियों का 7 दिन इंतजार करेंगे वरना संबंधित अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। विजय कामले भी मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे थे पर कल उन्होंने ठाणे के पुलिस कमिश्नर पद का चार्ज संभाल लिया था। नासिक के महिला सुधार गृह से 18 बार वाला फरार 9 को पुलिस ने पकड़ा। महिला सुधार गृह में रखी गई थी कुल 41 बार बालाएं। चौकीदार का बयान आंख में मिर्ची झोंक कर भागी थी बार बालाएं। इससे पहले भी भाग चुके हैं 5 बार बालाएं। पुलिस ने घोषित कर रखा है फरार। एक्साइज ड्यूटी कम होने का दिखने लगा असर। होंडा और हीरो मोटोकॉर्प की बाइक और स्कूटर सस्ते। होंडा 7,600 रुपए तक सस्ती बाइक सस्ती की बाइक हीरो की बाइकें 4,500 रुपए तक सस्ती। बजट में बाइक पर एक्साइज ड्यूटी 12 से घटाकर 8% की गई थी। ऑटो कंपनियों ने पूरे 4% की कटौती का फायदा ग्राहकों को दिया। बाजार में लगातार तीसरे दिन दिखी तेजी। सेंसेक्स 89 अंक चढ़कर 20,723 पर बंद। निफ्टी ने भी लगाई छलांग 26 अंक चढ़कर 6,153 पर हुआ बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आई 0.5% से ज्यादा की मजबूती। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। आम आदमी पार्टी ने आज से महाराष्ट्र में अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद पार्टी को मुंबई से काफी उम्मीदें।
मुंबई में हुई आम आदमी पार्टी की पहली चुनावी रैली में पार्टी नेता योगेंद्र यादव के साथ पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मयंक गांधी, मेधा पाटकर, अंजलि दमानिया, विजय पंधारे भी मौजूद थे। योगेंद्र यादव ने रैली में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। एक साल से ज्यादा हो गया है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस देश में ईमानदारी की रिपोर्ट आई है, कहते हुए कि इस गैस के कांड में घोटाला हुआ है, नरेंद्र मोदी एक लफ्ज नहीं बोला है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है कि ये चोरी है। मुंबई से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मयंक गांधी ने कहा कि मुंबई में गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ सरकारी फैसले बिल्डरों के पक्ष में लिए जाते हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि ऐसी नीतियाँ बने जिसके तहत किसी गरीब से उसकी झुग्गी झोपड़ी तब तक नहीं छीनी जा सके जब तक उसे नया आशियाना नहीं मिल जाए। ये सिटी ऑफ द बिल्डर, बाय द बिल्डर और फॉर द बिल्डर चल रही है। क्या जरूरत है बिल्डर की एसआरए के अंदर? सारे बिल्डर को एसआरए के बाहर कर देना चाहिए। ₹6,000 करोड़ का बजट है माड़ा का, वो 40% भी यूज नहीं करती है। मेधा पाटकर ने पहली बार एक राजनेता के रूप में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के सारे राजनीतिक दल भ्रष्ट हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। मेधा ने उम्मीद जताई कि अब चुनाव धर्म जाति के आधार पर नहीं जीते जाएंगे। शराब और पैसे का उपयोग दिल्ली में नहीं चला, जात और मजहब का उपयोग नहीं चला। अगर इस महाराष्ट्र में जो पुरोगामी प्रगतिशील है वहाँ अगर इस प्रकार की बात चली, गरीबों के ही नहीं धनिकों के साथ भी चलती है, तो फिर हम अपने को कभी माफ नहीं करेंगे। 2 साल पहले मुंबई में अन्ना आंदोलन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा था, अब आम आदमी पार्टी को लेकर मुंबईकरों का क्या रुख है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मुंबई से दिवेश नायर के साथ आज तक ब्यूरो। नासिक के एक महिला सुधार गृह से 18 महिलाएं चौकीदार की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर भाग गई। पुलिस ने 9 को तो पकड़ लिया, बाकियों की तलाश जारी है। मिर्च पाउडर का इस्तेमाल संसद से लेकर सुधार गृहों तक खूब हो रहा है। नासिक में चौकीदार के ऊपर मिर्च पाउडर छिड़क कर सुधार गृह में बंद 18 बार बालाएं भाग गई। हालांकि 9 को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। चौकीदार के मुताबिक सुबह तड़के जब उसने दूध लाने के लिए दरवाजा खोला तो सुधार गृह में बंद लड़कियों ने उसकी आंखों में मिर्ची पाउडर छिड़क दिया। सबके हाथ में मिर्ची पाउडर थे, उन्होंने मेरे आंख में फेंके, उन्होंने सबने मैं बहुत उनके लिए पकड़ने का प्रयत्न किया। उसमें 4 लड़की लोग हमने अंदर पकड़ा सब लोगों ने मिलकर, उसके बाद में बाकी का जो लड़की लोग है वो भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे जो रात के जो नाइट के जो ऑफिसर्स थे, जो मोबाइल थी, उन्होंने रात को नाकाबंदी चालू कर दी। नासिक ग्रामीण को भी हमने बताया, मुंबई और थाना कंट्रोल रूम को भी बताया कि ऐसा ऐसा, क्योंकि वो पूरी लेडीज बॉम्बे और थाना की तरफ की थी। उनका पूरा मैसेज करने के बाद में, नाकाबंदी करने के बाद में, नासिक सिटी की जो पुलिस थी उन्होंने 17 में से 8 लेडीज को पकड़ा। नासिक के वात्सल्य सुधार गृह से पहले भी 5 महिलाएं भाग चुकी हैं। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो।